श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं चिराग दारूवाला और मैं आज आप सबके सामने वापिस से पेश हुआ हूं वीकली शो लेकर, जिसका नाम है धनवाणी। इस शो में हम बात करेंगे कि आप जीवन में आगे कैसे बढ़ें, पैसा कैसे कमाएं और इम्पोर्टेंटली तरक्की के मार्ग पर कैसे जाएं। ये एक वीकली शो है और मैं आप सभी से अनुरोध करूँगा कि आप हमारे साथ हर शनिवार को सुबह जुड़िए, आपको जरूर से कुछ ना कुछ फायदा होगा। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि पहली जनवरी से 7 जनवरी 2023 का यह सप्ताह आप सभी के लिए कैसा रहेगा। शुरुआत करेंगे मेष राशि से। गणेश जी कहते हैं कि मेष राशि वालों, मंगल आपकी राशि में है, यानी कि आप यह समझ लीजिए आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, ग्रोथ मिलेगा। करियर वाइज यह सप्ताह बहुत बेहतरीन रहेगा। पर्सनल लाइफ में, फैमिली लाइफ में थोड़ी सी डिस्प्यूट्स हो सकती है, पर आपको अपना मन शांत रखना है। मन को शांत कैसे रखेंगे? मन को शांत आपको शिवजी भगवान की आराधना करनी है, ओम नमः शिवाय का जाप करना है और ओम सोम सोमाया नमः चंद्र का मंत्र है, 101 बार करिए, जरूर से फायदा होगा। मेंटल स्टेबिलिटी मिलेगी, जीवन में ग्रोथ देखने को मिलेगा और इम्पोर्टेंटली मन मुटाव दूर होगा। वृषभ राशि। गणेश जी कहते हैं कि वृषभ राशि वालों, यह सप्ताह स्टेबिलिटी वाला सप्ताह है। यह सप्ताह आपके जीवन में जो भी अड़चनें आ रही थी, जो भी नेगेटिविटीज हो रही थी, धीरे धीरे वो कंप्लीट होने जा रही है। यस, और नेगेटिविटीज दूर होती है तो क्या होता है, तो आप जीवन में ग्रो करते हैं, पॉजिटिविटी आपके रास्ते में आती है। आपको क्या करना है, आपको हनुमान जी की आराधना करनी है और हनुमान जी का आपको मंत्र रिसाइट करना है, ओम हनुमंताय राम दूताय नमः। ये मंत्र करने से जीवन में जो भी तकलीफें हैं, बाधाएं हैं, वो धीरे धीरे दूर होगी। जो स्टूडेंट्स हैं, जो लोग करियर में कुछ अलग करना चाहते हैं, कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं, तो यह सप्ताह आपका सप्ताह है। यह सप्ताह आपको मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। कोई अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, कोर्स करना चाहते हैं, तो उसका भी प्लानिंग कर लीजिए। आप ये समझ लीजिए यह सप्ताह आप अपने करियर को बहुत अच्छी तरह से शेप कर पाएंगे और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि समाज में आपका मान और सम्मान दोनों बढ़ेगा, लोग आपकी बात मानेंगे। मिथुन राशि। गणेश जी कहते हैं कि मिथुन राशि वालों, यह सप्ताह चंद्र और शुक्र और गुरु का कॉम्बिनेशन है, यानी कि आप यह समझ लीजिए कि आपको मन की शांति मिलेगी। साथ साथ में जो मल्टीपल डिसीशंस लेना चाहते हैं, जो बोल्ड डिसीशंस लेना चाहते हैं, वो आप ले सकते हैं। अगर प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट चल रहा है, पैतृक संपत्ति का कोई अनबनाव हो गया है फादर्स ब्रदर्स के साथ, परिवार वालों के साथ, तो उसका निपटारा भी आ सकता है, वो चीज़ का निकाल आपके फेवर में होगा। शुक्र क्या करवाएगा? शुक्र लोगों को आपके प्रति और अट्रैक्ट करवाएगा, यानी कि लोग आपकी बात मानेंगे, लोग आपके शब्दों को फॉलो करेंगे। मिथुन राशि वालों, यह सप्ताह अच्छा जाएगा। अब हम आएंगे कर्क राशि पे। गणेश जी कहते हैं कि कर्क राशि वालों, आपने बहुत सोचा, जितना ज़्यादा सोचेंगे उतना कन्फ्यूजन में रहेंगे, स्ट्रेस में रहेंगे और कोई भी डिसीशन नहीं ले पाएंगे। ज़्यादा मत सोचिए, डायरेक्टली कार्य करिए। ओवर थिंकिंग की वजह से आप कहीं ना कहीं अटक जाते हैं। दूसरा इम्पोर्टेंट ये है कि आपके दिमाग में जो भी चीज़ें चल रही हैं, पहले से किसी को भी डिस्क्लोज मत करिए। डिस्क्लोज करेंगे तो काम अटक जाएंगे। सरप्राइजिंगली चीज़ें आपके साथ बहुत होती है। हम चाहते हैं कि जो भी चीज़ें सरप्राइजिंगली हो वो आपके फेवर में आए, तो उसके लिए आपको क्या करना है, पहले से किसी को भी कुछ डिस्क्लोज नहीं करना है और ज़्यादा नहीं सोचना है। समय आया वो कार्य कर दीजिए, आपको जरूर से मज़ा आएगा। आपके घर पे जो बुजुर्ग है उनकी सेहत का ध्यान रखिए, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, पर पॉजिटिव रहिए, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सिंह राशि। गणेश जी कहते हैं कि सिंह राशि वालों,
यह सप्ताह आपको लीडर बनकर चलना है। आपको जो भी चीज़ें गलत लग रही हैं अपने ऑफिस में, करियर में, घर में, तो आपको उसे तुरंत टोक देना है कि ये चीज़ गलत है। यानी कि लोग बोले वैसा नहीं, आप बोले वैसा लोगों को करना है। आपको किसी को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने फॉलोअर्स बढ़ाने हैं। फॉलोअर्स बढ़ाने यानी कि थोड़ा सा आपको जिद्दी बन जाना है, थोड़ा सा आपको स्ट्रॉन्ग बन जाना है, मेंटली थोड़ा सा मजबूत हो जाइए, फिर देखिए आपको कितना मजा आता है। कन्या राशि, गणेश जी कहते हैं कि जो लोग लिक्विड प्रोडक्ट का व्यापार कर रहे हैं, जो लोग कपड़ों का व्यापार कर रहे हैं, जो लोग इंडस्ट्रीज चला रहे हैं, सप्ताह अच्छा है। कैसे? जो क्लाइंट्स रूट गए थे वो वापिस से आ सकते हैं, जो क्लाइंट्स आपकी बातें नहीं मान रहे थे वो बात मानेंगे, यानी कि फाइनेंशियल सिचुएशन आपकी इम्प्रूव होगी। इम्पोर्टेंटली, अगर आप घर खरीदना चाहते हैं, बुकिंग करना चाहते हैं, कर दीजिए। दोस्तों, आप ये समझ लीजिए कि यह सप्ताह आपका ग्रोथ वाला सप्ताह है, यह सप्ताह को इजीली हाथ से नहीं जाने देना है। आपको यही सोचना है कि आप क्या कर सकते हैं, क्या करना है, फिर देखिए कि आपको कितना मज़ा आता है। मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेगी, ग्रोथ भी मिलेगा, और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप बहुत ऊंचे तक जाएंगे। किसी की भी चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तुला राशि, गणेश जी कहते हैं तुला राशि वालों, बदलाव का समय आ गया है। क्या चीज़ का बदलाव? जॉब कर रहे हैं, इंटरनल चेंजेस चाहते हैं तो हो सकता है और होगा भी। अगर नई जॉब करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। अगर आप खुद का व्यापार शुरू करने का सोच रहे हैं, कोई स्टार्टअप का प्लानिंग कर रहे हैं, तो यह सप्ताह उसका प्लानिंग करिए, जरूर से आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप यह कह सकते हैं कि यह सप्ताह विश फुलफिलमेंट वाला पीरियड है। जो भी आपकी इच्छाएं हैं, जो भी चीज़ें दिमाग में चल रही हैं, जैसे जैसे आप उसे एग्जीक्यूट करना चाहते हैं करिए, आपको लाभ होगा। जो लोग रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं, उसका प्लानिंग आप यह सप्ताह कर सकते हैं। आपको जरूर से कुछ अच्छा मुनाफा, कुछ अच्छा ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। तुला राशि वालों, आप यह समझ लीजिए कि यह सप्ताह आपका ही सप्ताह है, कर दिखाइए। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है, पर्सनल लाइफ में भी आपको अच्छा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। वृश्चिक राशि, गणेश जी कहते हैं कि जो लोग शादी के लिए पात्र ढूंढ रहे हैं, सगाई नहीं हो रही है, शादी नहीं हो रही है, पार्टनर्स नहीं मिल रहे, यह सप्ताह आपको पार्टनर्स मिल सकते हैं। यह सप्ताह आपको क्या करना है? यह सप्ताह आपको अपना कम्युनिकेशन बढ़ा देना है। आपने अगर अपना कम्युनिकेशन बढ़ा दिया तो आप यह समझ लीजिए वृश्चिक राशि वालों, आपको मज़ा आएगा। साथ साथ में अगर व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं, जो लोग गवर्नमेंट के साथ कार्य कर रहे हैं, गवर्नमेंट टेंडर्स ले रहे हैं, प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, नया काम मिल सकता है। आपके उच्च अधिकारियों के संबंध जो है वो आपको अच्छा लाभ दिलवाएंगे, सीनियर्स आपकी बात मानेंगे, ऑफिस में लोग आपके रिस्पेक्ट करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आप कोई बाधा पूरी करना चाहते हैं, कोई तीर्थस्थल पर जाना बाकी रह गया है, तो यह सप्ताह आप वो करिए। जरूर से प्लैनेटरी पोजीशंस मूवमेंट्स आपके फेवर में है और आपको मजा आएगा। धनु राशि, गणेश जी कहते हैं कि धनु राशि वालों, आपकी राशि धन की राशि, यानी कि लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपके ऊपर है। पैसों की कोई चिंता नहीं आएगी। आपके जो इन्वेस्टमेंट किए हुए पैसे शेयर बाजार में, म्यूचुअल फंड्स में, प्रॉपर्टीज में, वो अच्छा रिटर्न्स आपको देंगे। साथ साथ में आप यह समझ लीजिए कि समाज में भी आपका मान सम्मान बढ़ेगा। दूसरा, अगर आप चाइल्ड बर्थ का प्लानिंग कर रहे हैं तो उसका प्लानिंग यह सप्ताह करिए, कुछ अच्छे रिजल्ट आपको मिल सकते हैं। जो लोग ट्रेडर्स हैं, जो लोग ब्रोकर्स हैं, जो लोग शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में मानते हैं या इन्वेस्टमेंट का कार्य कर रहे हैं,
तो यह सप्ताह आपका सप्ताह है, यह सप्ताह आपको अच्छा पैसा मिल सकता है, अच्छी डील्स मिल सकती हैं। और साथ साथ में अगर आप खुद का व्हीकल खरीदना चाहते हैं तो व्हीकल खरीदने का भी प्लानिंग यह सप्ताह कर लीजिए, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर कोई भी प्रकार का क्लेश चल रहा है, कोई लीगल डिस्प्यूट है, कोर्ट केस है, तो वो आपके फेवर में आ सकता है। यानी कि आप यह सोच लीजिए धनु राशि वालों, सप्ताह बहुत बेहतरीन बीतेगा। मकर राशि, गणेश जी कहते हैं कि मकर राशि वालों, पिछले जो समय से आप मेहनत कर रहे थे, जितने भी आपने एफर्ट्स दिए, उसका परिणाम आपको यह सप्ताह मिलेगा। पर परिणाम मिल जाए उसके बाद भी आपको अपना कार्य करते रहना है, आपको थोड़ा सा भी आलस नहीं रखना है। आलस को छोड़िए, कार्य पर थोड़ा ध्यान दीजिए। दूसरा, थोड़ा जो ईगो है उसको अपने अंदर से निकाल दीजिए, लोगों की बात सुनिए, समझिए, और आप जिस भी फील्ड में कार्य कर रहे हैं एक्सपर्ट से सलाह जरूर से लीजिए, तब जाके आपको मज़ा आएगा। मकर राशि वालों, यह सप्ताह अगर आप 100% एफर्ट्स देते हैं तो आपको पहले मिलता था 30-40%, यह सप्ताह आपको 80-90% मिल सकता है। खाली कंडीशन ये है कि आपके जो एफर्ट्स है, आपकी जो धगश है, उसको आपको थोड़ा सा और बढ़ा देना है, फिर देखिए कि आपको कितना मज़ा आता है। कुंभ राशि, गणेश जी कहते हैं कि कुंभ राशि वालों, उधार लेने से या उधार देने से आपको बचना होगा यह सप्ताह। इम्पॉर्टेंटली अगर कोई भी प्रकार का पैसों का लेन देन कर रहे हैं तो रुक जाइए, गलत हो सकता है, कुछ भी चीज़ें आपके फेवर में नहीं आएंगी, कहीं ना कहीं कुछ बदनामी भी हो सकती है, यानी आपको नुकसान हो सकता है पैसों का। तो आपको क्या करना है, कोई भी प्रकार का लेन देन नहीं करना है, यह सप्ताह शांति से बिताना है। आपको मन की शांति के लिए क्या करना है, कोई भी जिस भी भगवान में आप मानते हैं उनके तीर्थस्थल पर चला जाइए, उनकी बाधा रखिए। कुंभ राशि वालों, आप ये समझ लीजिए कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं, पर सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये है कि आपको मन की शांति मिलनी चाहिए। मन शांत रहेगा तो आप बहुत कुछ कर पाएंगे और जीवन में आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, ग्रोथ मिलेगा। अब हम आएंगे लास्ट राशि यानी कि मीन राशि। गणेश जी कहते हैं कि मीन राशि वालों, आप लोग लीडर्स हैं, पर यह सप्ताह आपको थोड़ा अपना जो स्टेटस है उसे डाउन करके धीरे धीरे आगे और बढ़ना है, यानी कि सीखना है आपके यंगस्टर से, जूनियर से, सीनियर से, सीख के अपने आप को प्रॉपरली शेप करना है। मीन राशि वालों, जो लोग इलेक्ट्रॉनिक के व्यापार के साथ जुड़े हैं, जो लोग ब्रोकर्स हैं, यह सप्ताह आपका है, कुछ अच्छी डील्स आपको मिल सकती हैं, लोग आपकी बात मानेंगे, लोग आपकी काम की प्रशंसा करेंगे। खाली इम्पोर्टेंट ये है कि आपको किसी की भी बातों में नहीं आना है, जो आपका दिमाग कहता है, जो आपका दिल कहता है, वही चीज़ करिए, फिर देखिए आपको कितना मज़ा आता है। साथ साथ में अगर आप चाइल्ड बर्थ का प्लानिंग कर रहे हैं तो यह सप्ताह करिए, जरूर से कुछ अच्छे रिजल्ट, कुछ अच्छा आपको मिलेगा, पॉजिटिव न्यूज़ मिल सकती है। सबसे इम्पोर्टेंट मीन राशि वालों, ये समझ लीजिए कि यह सप्ताह आपको लॉटरी लग सकती है, यानी कि आपके अंदर कहीं पैसे अटके हुए हैं, किसी क्लाइंट से आपको पैसा लेना है तो यह सप्ताह वो पैसा आपको मिल सकता है, यानी कि अटका हुआ धन वापिस लाने के लिए सप्ताह बेहतरीन है। अब हम आएंगे कंक्लूजन पे कि ऐसा सभी 12 राशि वाले क्या कर सकते हैं कि जिससे उनके जीवन में पॉजिटिविटी आए। तो आपको एक मंत्र देंगे, वो मंत्र है ओम क्लीम कृष्णाय नमः। कृष्ण भगवान और माता जी को यह मंत्र जोड़ता है, और यानी कि आप ये समझ लीजिए कि जीवन में जो भी बाधाएं हैं, जो भी तकलीफें हैं, धीरे धीरे दूर होंगी, और आप प्रेम से पॉजिटिवली कम्युनिकेशन करके सबके साथ अच्छा संबंध बनाएंगे और अच्छा लाभ होगा।
उम्मीद रखता हूँ आप हमारे सजेशन ज़रूर से फॉलो करेंगे। हम नेक्स्ट सैटरडे को वापस सुबह इसी समय मिलते हैं। तब तक आप सब खुश रहें, समृद्ध रहें, भगवान आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। श्री गणेशाय नमः।